दोस्तों एक बार फिर से इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया, स्वागत है दोस्तों फिट इंडिया न्यूज चैनल पे। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें बताया गया क्रिएटिन बैंड इन इंडिया, क्रिएटिन में कुछ इश्यूज है, फेक है और इस वजह से वो बैंड हो गया है, इसे यूज मत करना वगैरह वगैरह। दोस्तों इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे ही बात करेंगे, क्रिएटिन को बैंड होने के पीछे सही कारण क्या है, लोगों ने इसका कुछ अलग ही मतलब निकलने में लगा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्रिएटिन सेफ है। दिसंबर में एक नोटिफिकेशन आए थे FSSAI के तरफ से जिनमें भी क्रिएटिन है, मतलब जितने सारे सप्लीमेंट्स के अंदर क्रिएटिन मौजूद है वो सारे बैन कर दिए गए। बिल्कुल ये बात सच है, इसके पीछे लॉजिक भी है। तो पहले जानते हैं FSSAI क्या करता है। वो जितने भी सारे फूड्स है उसका गाइडलाइन को चेक करते हैं। उन्होंने क्रिएटिन के ऊपर कोई गाइडलाइन ही तैयार नहीं किए थे, मतलब जब कोई गाइडलाइन ही नहीं था तो मार्केट में उसका लेवल लगा के आप बेच नहीं सकते। देखिए दोस्तों प्रोटीन सप्लीमेंट जो है वो FSSAI के गाइडलाइन फॉलो करते हैं और इस वजह से वो FSSAI के अप्रूव भी है। लोगों ने क्या किया, प्रोटीन सप्लीमेंट के साथ क्रिएटिन को ऐड कर दिए और उसके साथ FSSAI का लेवल लगा दिए। सो FSSAI वालों का एक ही इशू है, जब भाई मेरे क्रिएटिन के ऊपर कोई गाइडलाइन ही नहीं था तो आप लोग मेरे गाइडलाइन का ना होने के बावजूद भी मेरे नाम इस पर कैसे लगाते हो। उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं कहा क्रिएटिन पे कोई इशू है, फिर भी एक ही दिन के अंदर जैसे ही नोटिफिकेशन मिले अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम और जितने भी बड़े ई कॉमर्स साइट थे पर क्रिएटिन बंद कर दिए गए। जो लेटर आया था वो स्क्रीन में आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं क्या लिखा है। उन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा है कि क्रिएटिन के कोई भी साइड इफेक्ट है और इसके वजह से ये बैन कर दिए गए, तो समझ ले इस बात को। तो उन कंपनियों का क्या जिनका इतने सारे क्रिएटिन, मतलब करोड़ों का सामान मार्केट में पड़ा है, तो वो लोग क्या करें। तो और एक नोटिफिकेशन आया था 29 दिसंबर को, जितना भी सामान बन चुके हैं उसे आप बेच लो 30 जून तक। तो अगर क्रिएटिन में कोई साइड इफेक्ट होता FSSAI वालों ने ये नहीं बोलता कि आप लोग बेच लो। तो भाई लोग समझो इस बात को, लोगों ने हवा मचा दिया इसके ऊपर। तो कहीं से भी बातें पर मत जाओ, अपने दिमाग के बत्ती को थोड़ा जलाओ। तो मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है कि बहुत ज्यादा मात्रा में लोग इसका गलत मतलब निकल रहे हैं और गलत चीज बता रहे हैं। मुझे भी एक कमेंट आया था, मेरे एक दोस्त ने बताया कि कुछ कंपनियों का क्रिएटिन को अप्रूव कर दिया गया है पैसे खाकर। अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, 30 जून के बाद नई गाइडलाइन तो आएंगे। और इस वीडियो में आप तो समझ ही चुके हैं कि अब माजरा क्या है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चले। तो भाई लोग क्रिएटिन सेफ है, आप उसे यूज कर सकते हैं।